डॉट एंड क्लिक के सारे सनस्क्रीन में लेके आई हूँ यहाँ पे, आप लोगों के साथ इसकी रिव्यू शेयर करूंगी और आपकी स्किन केयर में इसमें कौन सूट होगा या फिर इसमें कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स है जो किस स्किन टाइप को या फिर किस स्किन प्रॉब्लम को ध्यान में रखकर बनाया गया है वो मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। समर्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी स्किन केयर में वो है सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीन की बहुत सारी वेराइटीज़ है लेकिन इस आपको अपने स्किन टाइप के हिसाब से कौन सी सनस्क्रीन आपको सूट करेगी या फिर कौन सी इंग्रेडिएंट सनस्क्रीन में होना ही होना चाहिए या फिर कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो सनस्क्रीन अगर नहीं है तो आपको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ है जो भी आपको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, तो ये पूरी जानकारी मैं आप लोगों के साथ इसी वीडियो में शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ मेरी फेवरेट 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 सनस्क्रीन है डॉट एंड क्लिक का। फर्स्ट में बात कर ली थी गाइस कि सनस्क्रीन में क्या क्या चीज़ ज़रूर होना चाहिए जो कि आपको खरीदना ही खरीदना है। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ, सनस्क्रीन में आप लोगों को PA++ होना ही होना चाहिए। अगर UVA+ UVB प्रोटेक्शन, सो UVA=एजिंग, ए मीन्स एजिंग और UVB मीन्स बर्न। तो UVA क्या करता है, आपकी स्किन को एज करने से बचाता है, लेकिन कौन सा सनस्क्रीन ये एजिंग को कम कर सकता है या फिर कौन सा सनस्क्रीन सन बर्न को सच में प्रोटेक्ट कर सकता है वो जान लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए UVA हमारे स्किन को एजिंग से बचाती है और UVB हमारे स्किन को बर्निंग से बचाता है। तो जिस सनस्क्रीन में UVA एंड UVB दोनों ही रहते हैं उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन कहा जाता है। तो ऐसे सनस्क्रीन हमको ऑब्वियसली ही यूज़ करना चाहिए। जिस सनस्क्रीन में ओनली UVA या फिर ओनली UVB है वैसा सनस्क्रीन हम लोग को कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। आती हूँ विटामिन सी मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग बूस्ट होते हैं इमीडिएटली, लेकिन मेन बात ये है कि ये वाला सनस्क्रीन सभी स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकता, क्योंकि जिन लोगों की स्किन ऑयली है या फिर कॉम्बिनेशन है उनके का ये वाला विटामिन सी वाला सनस्क्रीन भूल कर भी मत खरीदिएगा, बिल्कुल भी नहीं। ये आपके स्किन को बहुत ज़्यादा स्वेटी, बहुत ज़्यादा चिपचिपी बना देगी जो कि समर्स में आप लोगों को चाहिए नहीं होता है। लेकिन जिन लोगों की स्किन सुपर ड्राई है या फिर ड्राई स्किन है, नॉर्मल स्किन है, वो ये वाले सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। उन लोगों को एक अलग सा ग्लो मिलेगा, स्किन बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज भी रहेगी और आपको ड्राइनेस बिल्कुल भी फील नहीं होगा। इसलिए जिन लोगों की स्किन ऑयली नहीं है, ड्राई है, उन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा वर्थी प्रोडक्ट है। ये वाटर लाइक टेक्सचर है, ये विटामिन C+E सुपर ब्राइट सनस्क्रीन है, ब्लू लाइट प्रोटेक्शन है। इसमें सबसे ज़्यादा जो बात मुझे अच्छी लगी है कि इसमें ब्लू लाइट प्रोटेक्शन है। फ़ोन चला रहे हैं या फिर लैपटॉप में काम कर रहे हैं या फिर TV देख रहे हैं या फिर आप लोग मूवी देखने थिएटर गए, चीज़ों से ये वाला सनस्क्रीन आपको प्रोटेक्शन देगा क्योंकि ये ब्लू लाइट प्रोटेक्शन है। ट्रिपल विटामिन सी है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है और इसमें नो वाइट कास्ट है। विटामिन DB है जो हमारे स्किन की बैरियर को मजबूत करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और इसमें विटामिन ई है, इसीलिए मैं ऑयली कॉम्बिनेशन वालों को ये अवॉइड करने के लिए कह रही हूँ। विटामिन ई बहुत ज़्यादा चिपचिपा या ज़्यादा ऑयली कर देती है जो कि ड्राई स्किन वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। पैकेजिंग बहुत ज़्यादा क्यूट है डॉट एंड क्लिक के, सारे प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। प्राइस एंड 495, लेकिन आप लोग को ऑब्वियसली ये डील में मिल जाएगा और अभी तो नायका का सेल आने वाला है वैलेंटाइन का, तो उसमें तो ये बहुत ज़्यादा सुपरबली डिस्काउंट मिल जाएगा आप लोगों को। इसकी सेल्फ लाइफ भी 2 ईयर्स है, तो एक सनस्क्रीन 2 ईयर्स बहुत ज़्यादा है गाइस। आपको क्लिनजर करना है, उसके बाद टोनर, उसके बाद सीरम, उसके बाद मॉइस्चराइजर, उसके बाद SPF सनस्क्रीन। यहाँ पे एक और मेन बात मैं आप लोग बता दूँ, जिन की स्किन ऑयली या फिर कॉम्बिनेशन स्किन है तो ये वाला स्टेप बिल्कुल भी आप स्किप कर दीजिए सीरम और मॉइस्चराइजर का। आप दिन में क्लिनजर, टोनर और सनस्क्रीन यूज़ कीजिएगा, तो ये वाला पॉइंट भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक टिप है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, लास्ट 15 मिनट्स प्रियर द सनस्क्रीन एक्सपोजर। ऑब्वियसली ये वाला चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप लोग सनस्क्रीन इस्तेमाल करके घर से निकल रहे हैं तो वो वाला सनस्क्रीन कब कम करेगा, 15 मिनट लेटर। सनस्क्रीन इस्तेमाल करिए तो ऑलवेज आपको सनस्क्रीन 1 घंटा या फिर मैक्सिमम 3 घंटे के बाद आपको रीएप्लीकेशन करना ही करना है। एक सनस्क्रीन 3 घंटे के बाद कोई भी प्रोटेक्शन आपको नहीं दे पाता, 1% भी नहीं। इसलिए आपको सनस्क्रीन अप्लाई करके बाहर निकलने के बाद आपको 3 घंटे के बाद आपको रीएप्लीकेशन करना है। आप अगर कोई लिक्विड सनस्क्रीन यूज़ करें तो उस सनस्क्रीन स्टिक है तो उसको अप्लाई कीजिएगा, उसके लगाने के 10 मिनट बाद आप उस पर मेकअप अप्लाई कीजिए। अगर आप लोग सेपरेटली मेकअप अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब सनस्क्रीन लगा के आप लोग 10 मिनट छोड़ के उसके बाद आप उसमें फाउंडेशन या फिर बीबी क्रीम लगाइएगा, तभी जाके वो बैठेगा, वरना वो कुछ देर बाद इसे रबर की तरह उठ जाएगा या फिर केकी लगेगा या फिर बहुत ज़्यादा गंदा इफेक्ट आएगा। होप आप लोगों को मैंने सारे टिप्स बता दिए हैं। नेक्स्ट आता है ये वाला वाटरमेलन वाला सनस्क्रीन। इसकी पैकेजिंग बहुत क्यूट है, इसके ऊपर भी वाटरमेलन का
प्रिंट किया हुआ है तो बहुत ज़्यादा क्यूट है। प्रोडक्ट की साइड पैकेजिंग बहुत ज़्यादा क्यूट है, इसके कलर बहुत प्यारा है, एकदम पिंक कलर में आता है। तो इसका जो है ये है वाटरमेलन कूलिंग सनस्क्रीन। तो मैं बता दूँ मेरे फेवरेट है वाटरमेलन कूलिंग सनस्क्रीन सकते हैं, लेकिन अगर आपको कूलनेस चाहिए आपकी स्किन, ये वाला सनस्क्रीन यूज़ कीजिए, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये है वाटरमेलन कूलिंग सनस्क्रीन, इसमें भी SPF 50 PA++ है और बेटर विटामिन डी एब्जॉर्वेशन है जो कि उसमें भी था, और इसमें है नो वाइट कल्स वो की बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। ये है UVA+UVB प्रोटेक्शन, और आने वाले जिसकी ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन है वो लोग इससे आँख बंद करके परचेज कर सकते हैं, और इसमें डिस्काउंट भी आएगा बहुत जल्दी। मेरी तो ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन है इसलिए मैंने इससे पहले ही परचेज कर लिया है, लेकिन आप लोगों के लिए मुझे सारे के सारे सनस्क्रीन परचेज करने पड़े, फेवरेट है, मैं पूरा समर इसको इस्तेमाल करने वाली, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है सिका वाला। अगर आप लोग अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा कामनेस देना चाहते हैं, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा एक्ने पोर्न है, या फिर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, आपको कोई भी सनस्क्रीन सूट नहीं कर रहा, कोई भी सनस्क्रीन लगाते आपको बहुत ज़्यादा जलता है, आपकी स्किन आँख जलते हैं, सिका कामिंग नियासिनमाइड सनस्क्रीन नियासिनमाइडेशन को भी दूर करता है बहुत अच्छा। इसमें भी 50 PA++ है और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन है, मतलब इसमें UVA एंड UVB दोनों ही है, नो वाइट कास्ट है, ऑक्सीबेंजन फ्री है, और ये ऑयली एंड एक्नेपोन एंड सेंसिटिव स्किन वालों के लिए इसमें मेंशन भी किया गया है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली या एक्नेपोन या फिर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तभी जाके आप ये वाला सिका वाला यूज़ कीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इसकी एप्लीकेशन आपको बता दिया है, मेरी बहुत फेवरेट है क्योंकि मेरी ऑयली कॉम्बिनेशन है, मेरी गर्मियों में कभी कभी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, रेडनेस या फिर इचिनेस आ जाता है, तभी के लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा, तो मैं भी इसे अपने पूरे समर्स में यूज़ करूँगी। ये इनका न्यूली लॉन्च है, ये है डॉटन की का ब्लूबेरी हाइड्रेट बैरियर रिपेयर सनस्किन, क्योंकि ये बैरियर रिपेयर है, आप लोग समझ ही गए होंगे कि अगर आपकी स्किन ऑयली कॉम्बिनेशन है तो विंटर में तो आप यूज़ कर सकते हैं, समर्स में प्लीज़ इस्तेमाल मत कीजिए। ये 50 PA++ नहीं, इसमें 4+ है गाइस, हाइलुरोनिक प्लस 5 सेरामाइड्स है, और ये बहुत ज़्यादा ड्राई और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए है, और इसमें 6 UV फिल्टर्स है। ओ माय गॉड, यहाँ जो लॉन्च है उसमें इन लोगों ने इतना ज़्यादा अच्छा मतलब मॉडिफाई किया है प्रोडक्ट को, मैं तो फैन हो गई। ये फ्रेग्रेंस फ्री है, सारे के सारे फ्रेग्रेंस फ्री है, जो कि मुझे स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे स्किन केयर प्रोडक्ट्स में फ्रेग्रेंस बिल्कुल नहीं पसंद, वैसे ये सारे के सारे आप लोगों में से कौन 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 सा परचेज करेंगे मैंने अच्छे से बता दिया है, और भी अगर आप लोग कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वीडियो पोस्ट होने वाले हैं चैनल पर। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।